बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2024 में शबे बरात कब है, किस दिन है, किस तारीख में है, इसी तरह हम इबादत कब करेंगे, नमाज वगैरह, इसी तरह रोज़ा है, ये सब कब रखना है, क्या करना है, पूरी तफसील आपके सामने पेश करूँगा। सबसे पहले हम समझते हैं ये जो अभी तारीख आपके सामने बयान करने वाला हूँ, ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो अपना इलाका है, अतराफ़ है, ये सब के लिए है, वरना सऊदी अरबिया का जो मसला है वो एक अलग है, क्योंकि वहाँ की तारीख बदलती है। बहरहाल अब समझिए, सबसे पहले सही हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस रात में तमाम लोगों की मग़फ़िरत हो जाती है सिवाय मुशरिकीन के, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है उसकी मग़फ़िरत नहीं होती है। इसी तरह मुशाहिन की मग़फ़िरत नहीं होती है। मुशाहिन उसे कहते हैं जो शरीयत में ज़्यादती कर दे, बिदआत और खुराफात कर दे, यानी इस रात में वो आमाल करने लगे जिसकी कोई बुनियाद नहीं हो, जिसका कोई सबूत न हो। जैसे मिसाल के तौर पे हलवा पका के इसको सुन्नत और ज़रूरी समझ लेना, इस रात में कुछ और ऐसा काम करना जिसकी कोई हकीकत नहीं है शरीयत में, वरना इस रात में हमें तो फ़ायदा उठाना चाहिए, जैसे दुआ करना चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए, इस रात में हमें नमाज ज़्यादा से ज़्यादा नफिल नमाज, कज़ा नमाज हैं, इसी तरह हमें अवाबीन, चाश्त, और इस दिन हमें जो है पूरी नमाज की सुन्नत, नवाफिल वगैरह की पाबंदियाँ, ये तो हर दिन की बात होनी चाहिए थी, इसी तरह तहज्जुद की नमाज़ें, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें करने चाहिए था, लेकिन बहरहाल एक अलग वीडियो में बयान करूँगा। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि इस रात की फजीलत जो आएगी कब आएगी। 2024 में फरवरी के महीने में, जनवरी के बाद जो महीना आता है दूसरा महीना फरवरी, फरवरी के 25 तारीख में, 25 तारीख की रात, जब 25 तारीख ख़त्म होगी, रात आएगी, तो उस रात में हमें जागकर इबादत करना है। बहुत से लोग गलत फहमी कर देते हैं, रात जाग जाते हैं लेकिन इबादत नहीं करते हैं। याद रखिएगा, रात जागना कोई इबादत नहीं है, कोई सवाब नहीं है, रात जागकर इबादत में रात को लगाना, इबादत करना, ये आपके लिए सवाब का काम होगा, वरना महज रात जागना कोई सवाब नहीं है। इसी तरह जब ये रात गुजर जाए तो अगले दिन यानी 26 फरवरी में, और 25 तारीख जो है इतवार का दिन पड़ता है, इतवार की जब रात होगी तो हमको इबादत करना है, और 26 तारीख यानी पीर का दिन, दोशंबे का दिन, जिसको हम मंडे कहते हैं इंग्लिश में, उस दिन हमें रोज़ा रखना है। नमाज कैसे पढ़ेंगे, नमाज के लिए कोई अलग से तरीका नहीं है, नवाफिल नफिल नमाजें जितनी हो आपसे हो उतना पढ़िए, और उसके लिए कोई अलग से नियत नहीं है, नफिल नमाज की नियत से ही पढ़िए। ऐसा नहीं है कि शबे बरात के लिए कोई नमाज है, जैसे आप जो है चाश्त की नमाज, इसराक की नमाज, जैसे ईद और बकरीद की नमाज पढ़ते हैं, उस नाम से कोई नमाज नहीं है, बल्कि नफिल नमाज जितना हो उतना पढ़िए, क्योंकि आप नियत दुरुस्त करिए, नियत में ये करिए कि मैं नफिल नमाज पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। आप शबे बरात की नमाज मत कहिएगा, क्योंकि उस ऐसी कोई नमाज नहीं है। इसी तरह जो है रोज़ा, शबे बरात का रोज़ा ज़रूर है, रोज़ा जिसे हदीस में आता है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, इदा कानत लैलतम मिन निस्फ़ शाबान, जब शाबान की 15 तारीख आ जाए, कूमू लैलहा, रात में इबादत करो, क़याम करो, और सूमू नहारहा, दिन में रोज़ा रखो, तो दिन में हमें रोज़ा रखना चाहिए। बहरहाल तारीख याद कर लीजिए, फरवरी की 25 तारीख हो और इतवार का दिन है, रात में इबादत करेंगे, अगले दिन 26 तारीख में रोज़ा रखेंगे जो दोशंबे का दिन है। मर्द औरत सब इसका ख्याल रखें, ये रात साल में एक बार आने वाली है, हाथ से जाने मत दें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन।